अपहरण की घटना क्या होती है पहले समझें। एक छोटे से प्रयोग से इसको समझाने की कोशिश की गई है। इस प्रयोग में यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है जिसके समानांतर क्रम में एक कुंडली लगी है और नीचे की ओर एक बैटरी रियोस्टेट की सहायता से और एक दाब कुंजी की सहायता से जोड़ी गई है। ठीक है, क्या क्या चीज़ जुड़ी है? बल्ब है, इसके साथ ये बैटरी रियोस्टेट और ये दाब कुंजी जुड़ी गई है, जबकि इस बल्ब के समानांतर क्रम में एक कुंडी लगाई गई। साधारणतः चोक कॉइल यूज़ कर लेते हैं, जो मार्केट में मिलती है उसी चोक कॉइल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इस कुंजी को दबाते हैं तो हमको तुरंत ये चमकते हुए दिखना चाहिए बल्ब, लेकिन हम पाते हैं कि बल्ब को अपनी पूरी चमक देने में कुछ समय लगता है, तुरंत पूरा नहीं चमकता वो। ठीक, धीरे धीरे चमक उसकी बढ़ती जाती है, कुछ मिली सेकेंड लगते हैं उसको पूरी तरीके से चमकने में। इसके ठीक विपरीत, जैसे हम कुंजी को छोड़ते हैं यानी परिपथ तोड़ते हैं तो बल्ब को बुझ जाना चाहिए, लेकिन ये बल्ब बुझता भी तुरंत नहीं है, कुछ समय लेता है। ठीक है, पहले वो उसकी चमक एकदम से बढ़ती है और फिर घटती है। दोनों स्थितियों में, पहले जब अपन परिपथ तोड़ जोड़ रहे थे तब धारा का मान एकदम से तेज़ी से आई नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे जीरो से आई तक बढ़ा था, और दूसरी स्थिति जब परिपथ तोड़ रहे थे तो धारा का मान आई से शून्य तुरंत नहीं हुआ था, कुछ समय लगा था। और यही है कारण इस स्वप्रेरकत्व का। होता है क्या है, उससे जब धारा का मान बढ़ेगा शून्य से आई तक, इस कुंडली में संबंधित फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है। फ्लक्स फाई बराबर होता है बी डॉट ए के, तो बी पर निर्भर करता है, और बी का मान किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा आई के, जो हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट के नियम से। तो सीधी बात है, इन दोनों को जब एक साथ रखेंगे तो फाई किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, धारा आई के। ठीक है, तो हम जब शुरुआत में परिपथ जोड़ रहे हैं तो धारा बढ़ रही है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है, यानी धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। तो जब आपका कोई विरोध कर रहा होगा, आप बढ़ने की कोशिश कर रहे होगे, तो आप उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ भी वही स्थिति है, धारा का मान तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरीके से जब परिपथ तोड़ते हैं तो धारा का मान आई से जीरो तक घटाते हैं, लेकिन जब धारा का मान आई से जीरो तक घटेगा तो फ्लक्स का मान भी घटेगा। फ्लक्स का मान घटेगा यानी फ्लक्स परिवर्तित होगा, तो प्रेरित होगा विद्युत वाहक बल, और जब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो उसकी दिशा इस तरह होगी कि वह लेंज के नियम का पालन करेगी, यानी फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी, यानी धारा के घटने का विरोध करेगी, यानी उसे बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। इसलिए क्षणिक समय के लिए हमें इसमें जो बल्ब है अधिक चमकीला दिखाई देता है और फिर वो बुझता है। ये जो घटना है, किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की इस घटना को स्वप्रेरण के गुण कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। रिपीट, किसी बंद परिपथ में धारा के मान वृद्धि या धारा के मान परिवर्तन करने पर उसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने की इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, सभी जगह होती है, इसीलिए बल्ब आप जलाते हो तो एकदम से चमक नहीं दिखाता वो। ठीक है, जब बुझाते हो तो ध्यान से देखना, अगली बार जब बुझाओगे तब तो थोड़ा सा ज्यादा चमकता है और फिर उसके बाद बुझता है वो। ठीक, ये उसके पीछे यही कारण है। इसको इस दूसरे चित्र से और अच्छे समझा दिया गया, जो हमको सैद्धांतिक चित्र बनाना है परीक्षा में। ये कुंडली है, ठीक, इस कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी रियोस्टेट और कुंजी का प्रयोग किया गया और एक धारावापी लगा दिया गया है। प्रारंभ में जब कुंजी खुली है तब इसमें कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा, जैसे हम कुंजी बंद करेंगे हमें विक्षेप बढ़ता हुआ दिखाई देगा शून्य से आई तक। ठीक, जब अपन परिपथ को तोड़ेंगे तो आई से थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर वापस जीरो तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जैसी धारा प्रवाहित होना शुरू होगी इसमें चुंबकीय बल रेखाएँ उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, ये चुंबकीय बल रेखाएँ ओरस्टेड के नियम से होंगी। जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसका मान किस पर निर्भर करता है, धारा आई पर, यानी फाई अनुक्रमानुपाती है आई के। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक एल आता है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक हेनरी होता है, नया मात्रक आपके लिए, हेनरी बड़ा मात्रक है। साधारणतः मान जो आते हैं 10^-3, 10^-2 में आते हैं हेनरी में, तो इसलिए इसका प्रचलित मात्रक मिली हेनरी है। ठीक, और 1 मिली हेनरी जो होगा ये बराबर 10^-3 हेनरी होगा, याद रखना ये चाहिए। ठीक है, रिपीट, जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है इस कुंडली में उसका मान किसके अनुक्रमानुपाती होगा, धारा आई के। फाई और बराबर हो जाएगा एल इंटू आई के। एल एक स्थिरांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, या स्वप्रेरकत्व, बहुत सी बुक में
स्वप्रेरकत्व भी लिखा हुआ है, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक हेनरी होता है, बड़ा मात्रक है इसलिए इसका छोटा मात्रक मिली हेनरी ज़्यादा प्रचलित है। समीकरण एक को यदि हम ध्यान दें तो फैराडे के ईएमआई नियम पढ़े थे अपने, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। वो क्या कहता था कि प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ई बराबर माइनस डी फाई बाई डीटी। यहाँ फाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से एल इंटू आई। ठीक, तो एल इंटू आई रखेंगे तो एल तो स्थिर राशि बाहर आ जाएगी, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डीटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ई का मान किसके अनुक्रमानुपाती है, डी आई बाई डीटी के। उत्पन्न होने वाले स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस पद परिपथ में बहने वाली धारा के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, और यही है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को एक और चीज़ पूछी जाती है, एल का मात्रक तो हेनरी देख लिया अपन ने, एल का विमीय सूत्र क्या होता है। बहुत प्रचलित चीज़ों में से एक है ये जो विमीय सूत्र है, एल बराबर फाइव बटे आई हो जाएगा यहाँ से, एल बराबर फाइव बटे आई। फाइव को बी डॉट ए लिखते हैं याद होगी तो, बटे आई। बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर होता है, पता नहीं कितने लोगों को याद है। ए क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर होगा, और आई एम्पेयर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर जाएगा। न्यूटन ये बल का मात्रक है, वो कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एल मीटर है और एम्पियर स्क्वायर ए स्क्वायर जाएगा। ऊपर ले जाएंगे हल करके तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ए टू द पावर माइनस टू, ये इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ हो गया ये। यदि उस प्रश्न पूछा गया स्वप्रेरकत्व तो क्या है समझाइए, तो इतना समझाना पड़ेगा उसमें। अब हमको अक्सर इसमें साथ प्रश्न जुड़ा रहता है कि किसी वृत्ति कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका, स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक किसके लिए, एक वृत्ति कुंडली के लिए, तो हम उसको करने जा रहे हैं। इसका ले लिया है चित्र, ठीक है। तो अगला जो आर्टिकल करने जा रहे हैं वो ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करो, इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, कैसे ज्ञात करो, एक वृत्ति कुंडली लेंगे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और फेरों की संख्या इसमें माना एन है, हमने नहीं दिखाई है पर फेरों की संख्या माना एन है। तब इसके केंद्र पर ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, किसको किसको याद है, कुछ लोगों को याद होगा ये कितना आता है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन निकाल चुके हैं, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई के बटे आर। याद है वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद नहीं आ रहा हो पलटा के देखें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो चैप्टर था, ठीक है, वीडियो होंगे शायद 35, 30, 31 नंबर के, ठीक है, उसमें ये पूरा कराया था मैंने, तो पलटा के देख सकता है यूट्यूब में जा करके। तो ये बी का मान हो गया, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, कुंडली से संबंधित फ्लक्स, से संबंधित फ्लक्स, ठीक, फाई, तो फाई बराबर होता है बी डॉट ए या मॉड बी इंटू कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल, कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल। यहाँ प्रभावी क्षेत्रफल का मतलब क्या है, फेरों की संख्या n है, एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, तो ऐसे n फेरे हैं उनका n इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो बी जीरो तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे बी जीरो की यहाँ से, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, टू पाई से कैंसिल कर दोगे तो इसको म्यू जीरो एन आई के बटे टू आर लिख सकते हैं। तो म्यू जीरो एन आई के बटे टू आर इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये एक आर से आर हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बच जाएगा ये म्यू जीरो एन स्क्वायर, म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर के बटे टू इंटू आई, ये बराबर हो गया फाई के। इसको देंगे समीकरण नंबर दो, क्योंकि समीकरण नंबर एक ये था। अब इसके बाद चूंकि फाई किसके बराबर होता है एल इंटू आई, क्या अभी पढ़ा अपन ने कि फाई का मान एल इंटू आई होगा, तो दो और तीन से तुलना कर देंगे, दो व तीन से, तो ये तो एक जैसा है ये भी एक जैसा है, तो एल का मान इसके बराबर हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर क्यूरेट टू। ठीक है, ये किसी कुंडली के लिए वृत्ति कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक हो जाएगा। इसका मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और त्रिज्या आर पर। यहाँ हमने माध्यम वायु लिया है इसलिए म्यू आर नहीं आया है,
यदि माध्यम वायु न लेकर कोई और लेते हैं तो म्यू जीरो म्यू आर हो जाता है, इतना बार अंतर याद रखेंगे। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कुंडली में फेरों की संख्या को दुगना कर दिया गया है, त्रिज्या उतनी ही रखी गई है, तो उसके स्वपरिमाण का मान कितना गुना हो जाएगा? तो दो गुना कर दिया गया एन का मान, तो ये दो का वर्ग यानी चार गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आया है, तो ये कहलाएगा किसी वृत्ति कुंडली के लिए स्वपरिमाण का व्यंजक। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें है? बहुत पूर्ण है, वो है किसी परिनालिका के लिए स्वपरिमाण का व्यंजक। ठीक है, परिनालिका के लिए परिनालिका भूल गए होगे तो याद दिला दूं, एक ये कुचालक पदार्थ का बेलन होता है, इस बेलन के ऊपर तांबे के पृथक तारों की कुंडली लपेटी जाती है, तांबे के इंसुलेटेड वायर है ये, ना पृथककृत मतलब इंसुलेट, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है, इसको लपेट दिया गया है, इसके सिरों पर ये बैटरी लगा दी गई है, कुंजी लगा दी गई है, जब इसको दबाते हैं तो धारा बहना शुरू हो जाती है और ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, इस तरीके से इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और ये केंद्र पर अपने बी ले लिए हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, धारा इस तरह से बह रही है, तो इसकी लंबाई मान लिया अपन ने एल है और इसमें कुल फेरों की संख्या माना एन है। ठीक है, तो कुल फेरों की संख्या एन, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, क्योंकि हमको याद है उसको स्मॉल एन से दर्शाते थे, कैपिटल एन बटे एल हो जाएगा उसका मान। तो हम जानते हैं कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये निकाले थे हमने, बी मॉड कितना था? म्यूजरो एन आई या म्यूजरो एन बटे एल इंटू आई, ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे भाई, ये समीकरण नंबर हो गया दो। ठीक है, अब हम यदि देख जानते हैं तो फाई का मान, फ्लक्स का मान, ये बराबर होता है बी मॉड इंटू प्रभावी क्षेत्रफल, किसका? कुंडलियों का प्रभावी क्षेत्रफल। बी मॉड की वैल्यू तो अपन रख देंगे वहां से, कितनी रखेंगे? म्यू जीरो एन बटे एल इंटू आई, और प्रभावी क्षेत्रफल एन इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। इसकी त्रिज्या जो ली गई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी ली गई है? आर। ठीक, और एन फेरों की संख्या है तो कितना हो जाएगा? म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर के बटे एल इंटू आई, ये हो गया समीकरण नंबर तीन। लेकिन फाई बराबर एल आई होता है समीकरण चार, तो तीन व चार से क्या मिल जाएगा? एल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर के बटे दो। ठीक है, ये इसका आर्टिकल हो गया। फिर वही बात कि एल का मान फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पर अक्सर न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, एल का मान किसके अनुक्रमानुपाती होता है? एन के वर्ग के। ठीक है, तो ये हो गया किसी परिनालिका के लिए स्वपरिमाण गुणांक का मान की बात हो गई। अब होता है एक और चीज जिसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण की घटना। अन्योन्य क्या मतलब होता है? एक के कारण दूसरे पर प्रभाव, इसको म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो एक्चुअली फैराडे का द्वितीय प्रयोग है। फैराडे के द्वितीय प्रयोग में क्या था? जब किसी प्राथमिक परिनालिका या प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते थे तो उसके निकट रखे द्वितीय कुंडली में गैलोनोमीटर में विक्षेप दिखाई देता था। जितनी तेजी से परिवर्तन करते थे प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में, द्वितीय कुंडली में हमें उतना अधिक प्रेरित धारा उत्पन्न होती हुई दिखती थी। हमने द्वितीय कुंडली को तो किसी स्रोत से जोड़े नहीं थे लेकिन तब भी उसमें धारा बह रही है, तो उस प्रभाव को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर अन्योन्य प्रेरण की घटना। ठीक है, यानी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके निकट स्थित दूसरे बंद परिपथ में प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। सब जगह होती है ये। ठीक है, अक्सर आप लोग यदि कहीं लाइट जलाते हो या कहीं हैवी लोड चालू करते हो तो अक्सर उसके आसपास के लोड जो हैं वो या तो उसकी चमक कम हो जाती है थोड़ी देर के लिए फिर वापस नहीं आते हैं। ये सिर्फ अन्योन्य प्रेरण की घटना का कारण है। जब बंद करते हो तो अचानक आजू बाजू के यंत्र जो हैं तेज चलने लगते हैं फिर वापस लौट के आते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? जैसे ही धारा को चालू किया या बंद किया
तो उससे कारण आई के मान में वृद्धि हुई या कमी हुई, जिसके कारण फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ और उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई निकट के परिपथों में, जो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है और इसलिए हमें घटना होती हुई दिखाई देती है। इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना। इसको मैं चित्र से समझा देता हूँ और फिर उसके बाद अपन इसको आगे पढ़ेंगे। एक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली ली गई है, इसके साथ एक बैटरी, एक दाब कुंजी और एक रियोस्टेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें धारा आईपी प्रवाहित की जाती है, प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें इस तरह से फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा जिसको फाई पी कह रहे हैं। इसके पास अत्यंत निकट, ध्यान रखना बहुत पास होना जरूरी है, दूर रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ तक फ्लक्स पहुँचेगा नहीं। यहाँ पर एक कुंडली लगा दी गई है और एक गैलरमीटर लगा दिया गया उसके साथ में, ये जी, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर इसको दबाए, बंद किए, जैसे ही यहाँ पर हमको हल्का सा विक्षेप दिखाई देता है, ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ फ्लक्स का हिस्सा जो है वो इससे भी जाके संबंधित हो रहा है, ठीक। ये इससे जो संबंधित फ्लक्स है उसको कितना मान लिया अपन ने, फाई एस, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स है उसका मान किस पर निर्भर करने वाला है, फाई पी पर, और फाई पी का मान किस पर निर्भर करने वाला है, आई पी पर। इसका मतलब फाई एस ये आई पी पर निर्भर करेगा। तो द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स का मान फाई एस ये अनुक्रानुपाती होगा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आई पी के, याद रहेगा, समझ में आएगा। द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स पहुंच रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं पहुंच रही हैं, उसका मान प्राथमिक कुंडली में कितनी उत्पन्न हो रही है इस पर निर्भर करेगा, और प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स है उसका मान उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। उस आधार पर देखें तो आई पी पर निर्भर करेगा फाई एस का मान। अनुक्रानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो फाई एस बराबर एम इंटू आई पी आता है। यहाँ एम कहलाता है कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जो दो कुंडलियाँ ली गई हैं उनके मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। कोपिशियंट ऑफ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, कोपिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिर्फ अन्योन्य प्रेरकत्व भी बोलते हैं इसको। इसका मात्रक बिल्कुल वैसे ही एल जैसे ही होगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, हेनरी, लेकिन ज़्यादा प्रचलित मात्रक क्या हो जाएगा, मिली हेनरी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से इसका भी सूत्र होगा जैसे इसके पहले था, कोई अंतर नहीं। अब फैराडे के नियम से द्वितीय कुंडली से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक, द्वितीय संबंधित फ्लक्स फाई एस है तो आदर्श स्थिति में ऐसा माना जाता है, आदर्श स्थिति में, कि जितना फ्लक्स प्राथमिक में उत्पन्न हुआ पूरा का पूरा द्वितीय कुंडली में पहुंच जाता है। तो आदर्श स्थिति में फाई एस बराबर माना जाता है फाई पी के। ऐसा कभी हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे परिपथ बनाएं जिसमें कोई भी लॉस ना हो, कोई भी बलरेखा का क्षय ना हो, पूरी जो बलरेखा यहाँ उत्पन्न हो रही पूरी द्वितीयक पर पहुँच जाए। हम देखेंगे बाद में उसके लिए क्या करते हैं। अब यदि ये ऐसा है तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि ई एस का मान, यानी द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है ई एस, इसका मान हो जाएगा कितना, माइनस डी फाई एस के बटे डी टी के, फैराडे के नियम से। अब फाई एस का मान फाई पी है तो माइनस डी टी ऑफ फाई पी हो जाएगा, और फाई पी का मान समीकरण नंबर एक से कितना हो, एक मिनट, या ध्यान रखना कि फाई एस का मान सीधा रख सकते थे कैलकुलेटर, फाई एम इंटू आई पी यहाँ से, ठीक। तो इसमें से एम बाहर निकल आएगा, माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, ये ई एस हो जाएगा। ये क्या बता रहा है कि ई एस का मान अनुक्रानुपाती है डी आई पी अपॉन डी टी के, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के अनुक्रानुपाती होता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का मान प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के अनुक्रानुपाती होता है, ठीक है। ई एस अनुक्रानुपाती डी आई पी अपॉन डी टी। यहाँ पर रिंच ने क्या दिखा रहा है, लेंच का नियम, कि ये उसी कारण का विरोध करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैराडे का द्वितीय प्रयोग ही है, उसे परिनालिकाएं ले ली थी, यहाँ पे दो कुंडलियाँ ले ली गई हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल पास पास सबक्षीय स्थिति में रखा गया है। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे, वृद्धि या कमी, तो हम पाते हैं कि द्वितीय कुंडली में लगे हुए धारावापी में विक्षेप दिखाई देता है, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, यानी ई एस का मान, ये किस पर निर्भर करने वाला है, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रानुपाती होगा।
अब यहाँ पर फाइव एस का मान हम पहले ही देख चुके हैं कि द्वितीय कुंडली में जो संबंधित फ्लक्स है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा पर निर्भर कर रहा है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा जिसे कहते हैं दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक या केवल अन्योन्य प्रेरकत्व। इसका मात्रक हेनरी, लेकिन बड़ा मात्रक है इसलिए छोटा मात्रक मिली हेनरी प्रचलित है। इसका भी सूत्र वही आएगा, एम कितना आया था भाई याद है? ठीक नहीं हो कि फाइव एस का मान जब पुट कर देंगे एम इंटू आई पी तो एम स्थिर राशि होने के कारण बाहर निकल आएगा और डी बाई डी टी ऑफ आई पी बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का मान प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना होगा, ठीक, और किन कारकों पर निर्भर करेगा, ले चुके। तो अब दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक इस तरह से समक्षी स्थिति में एक दूसरे के अत्यंत पास रखी हुई हैं, एक की त्रिज्या आर पी है और दूसरे की त्रिज्या आर एस है। ठीक, हमने डेलिबरेटली आर पी बड़ा या बराबर माना है आर एस के, ठीक है, और उनके बीच की दूरी जो है केंद्रों के बीच की दूरी, ये केंद्रों के बीच की दूरी ये एक्स है और एक्स का मान बहुत छोटा ले लिया हमने आर पी या आर एस से, यानी बिल्कुल पास पास है। ठीक, तो ये प्राइमरी कुंडली का केंद्र है और ये द्वितीय कुंडली का, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे आई पी, ठीक है, और इसमें फेरों की संख्या एन पी है मान लिया, इसमें एन एस है। तो बी एट पी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पर कितनी हो जाएगी, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई एन पी आई पी अपॉन आर पी। सभी प्राथमिक कुंडलियों के लिए लेंगे अपन, है ना, फेरों की संख्या वगैरह सब, ये टू पाई से दो बार कैंसिल हो गया तो म्यू जीरो एन पी आई पी करे टू आर पी, ये बी पी मॉड हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर एक, चूंकि दोनों कुंडलियों के मध्य दूरी बहुत कम है, कुंडलियों के मध्य एक्स बहुत छोटा है किससे, आर पी या आर एस से, इसलिए बी एट पी ये लगभग बराबर होगा बी एट एस के, यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा उतना ही एस पर होगा। ठीक है, और इसलिए द्वितीयक से संबंधित फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से संबंधित फ्लक्स जिसको अपन फाइ एस बोल रहे हैं, ठीक है, ये बराबर होगा बी एस मॉड इंटू द्वितीयक का क्षेत्रफल, द्वितीयक कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल, ठीक, तो फाइ एस बराबर बी एस की वैल्यू अभी देख ली अपन म्यू जीरो एन पी आई पी टू आर पी है, और द्वितीय कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एन एस इंटू पाई आर एस स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे जमा के लिख लेंगे म्यू जीरो एन पी एन एस पाई आर एस स्क्वायर टू आर पी इंटू आई पी, ये हो गया फाइ एस, समीकरण नंबर दो। अब चूंकि फाइ एस बराबर एम इंटू आई पी होता है, अब भी पढ़े थे अपन ने कि द्वितीय कुंडली से जो फ्लक्स संबंधित होता है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये दो और तीन से तुलना कर देंगे तो दो और तीन से एम का मान कितना मिल जाएगा अपने को म्यू जीरो एन पी एन एस पाई आर एस स्क्वायर क्रेड टू आर पी। साधारणतः आर पी और आर एस बराबर लिए जाते हैं, अन्यथा आर पी बड़ा होता है आर एस से, उल्टा होगा तो थोड़ी अलग बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर एस और आर पी को बराबर कर देंगे, दोनों को आर कर देंगे तो एक आर से आर और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन यदि आर पी बराबर आर एस बराबर आर हो तो एम बराबर कितना आ जाएगा म्यू जीरो एन पी एन एस पाई आर, क्योंकि एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा के बटे दो। इसका मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान दोनों कुंडलियों में जो फेर है एन पी और एन एस उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और द्वितीय कुंडली की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यदि हम दोनों को बराबर ले लेते हैं तो सीधे सिर्फ त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, तो ये कहलाएगा कि इन्हीं दो वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान, जबकि कुंडलियों के मध्य की लंबवत दूरी एक्स बहुत छोटी है त्रिज्या आर की तुलना में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ध्यान से इसको लिख लें समझ लें। ठीक है, इसका भी एक शॉट हम ले लेते हैं, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ तो शॉट लेने में ज़्यादा अच्छी होगी। क्या हो जाएगा, दो समक्षीय वृत्तीय
कुंडली या कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, यह है। ओके, तो आज बहुत सारी चीज़ें, कल आराम का दिन है, ठीक है, लेकिन आप लोग आराम ना करें, आज अभी एक घंटे के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन डालने वाले हैं, ठीक है, अपन करेंगे मंडे को, ठीक है, मंडे को करेंगे इसको।